हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए दोस्तों, लगभग कटिंग लगाने का समय तो चला गया है, लेकिन सितंबर में भी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है और बारिश छुटपुट आती ही रहती है। तो आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं, जो आपके प्लांट रह गए हैं उनकी, जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं, जैसे सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाएंगे, जो गर्मियों के प्लांट हैं उनकी कटिंग नहीं लगेगी अभी, क्योंकि वो तो वैसे ही डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन जो प्लांट परमानेंट होते हैं उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, जैसे इंडोर प्लांट हुए या फिर कुछ फ्लावरिंग प्लांट हुए, तो उनकी कटिंग लगाने का समय अभी भी है, आप लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में तो लगभग सभी गमले भर गए हैं और कटिंग लगाने की जगह मैं ढूंढती रहती हूँ, गमलों में लगाती रहती हूँ जो थोड़े बहुत गमले हैं, लेकिन मैंने सभी जगह कटिंग लगा दी है। और फिलहाल मैं छोटी छोटी जो बोतल होती हैं उनमें भी कटिंग लगा रही हूँ। तो अब तो घर में जो बोतल हैं वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, तो देख रही हूँ कि कहाँ कटिंग लगानी है, कैसे कटिंग लगानी है। तो देखिए, मैंने तो अपने घर में जो डब्बे थे, प्लास्टिक बोतल थी, उन सभी का यूज़ कर लिया है। और अब मैं छोटे छोटे डब्बे देखती रहती हूँ। तो देखिए, ये एक्सो का डब्बा है, इसमें भी मैंने कटिंग लगा दी है। और आप भी, अगर आपके पास छोटी बोतल हैं या फिर छोटे डब्बे हैं, तो आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग तो कहीं पर भी चल जाती है और इन्हें इधर से उधर रखना भी सेफ़ हो जाता है। अगर हम मिट्टी में नीचे ग्राउंड में कटिंग लगा दें, तो देखिए वहाँ पर इधर से उधर हम कटिंग नहीं रख सकते हैं, और दूसरे पोट में ट्रांसफ़र भी करने में उनमें रिस्क होता है। उनकी जड़ें टूट जाती हैं, जो रूट्स होती हैं उनमें नन्ही नन्ही सी रूट्स बन जाती हैं, तो वो टूटने का डर होता है। इसलिए हम जो कटिंग होती है उन्हें नीचे ग्राउंड में नहीं लगा सकते हैं, मिट्टी में। तो मैंने इस तरीके की, देखिए, बोतल भी काट के इसमें कटिंग लगा दी थी। इसमें कोलियस लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह की बोतल आप काट के उनको सुंदर सुंदर से डिज़ाइन में बना के आप इस तरीके से कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया था और इसमें मनी प्लांट बहुत अच्छे से मेरी ग्रो हो रही है। तो आप इस तरीके से भी बोतल काट के और अपनी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये स्लीपर थे मेरे बेटे के, उसी में मैंने देखे स्पाइडर लगा दिया था और बहुत अच्छे से चल रहा है। इसे लगभग कम से कम 15 दिन हो गए हैं इसमें लगाए हुए, तो इसने भी अपनी रूट्स बना ली हैं और ये बहुत अच्छे और सुंदर भी लगते हैं लगे हुए। तो आप भी इस तरीके से अपनी गार्डन में कटिंग तैयार कर सकते हैं और प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए, बोतल हैं जो काफ़ी दिनों पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट बन गए हैं। अब तो कटिंग लगाई थी लेकिन प्लांट बन गए हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये मेरे हैंगिंग झूला है मेरे गार्डन का, और ये लगभग 2 साल हो गए हैं इसमें, और मैं इसमें ज़्यादातर पोर्चुली का ही ग्रो करती हूँ। और अब सर्दियों में इसमें मैं पिटूनिया वगैरह ग्रो कर लूँगी, क्योंकि पोर्चुलिका का तो मौसम चला जाएगा, डोरमेंसी में हो जाएंगे ये प्लांट, और लगभग ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हाइब्रिड पोर्चुलिका ख़राब हो जाती है। तो देखिए, अब जब सारी प्लास्टिक की बोतल भर गई हैं, सारे गमले भर गए हैं, तो अब जगह नहीं रही, तो अब मैं जो नमक के पैकेट आते हैं उनमें भी प्लांट ग्रो कर रही हूँ। तो ये मैंने देखे, इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ सीड्स डाले थे, तो ये ग्रो हो गए हैं। इनको लगभग ग्रो करे मुझे 1 महीना हो गया है और ये प्लांट बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा जो प्लांटर है इसमें इसको ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। और ये है मधुकामनी का, तो मधुकामनी की कटिंग मैंने 3 से 4 लगाई थी जिसमें ये ग्रो हो गया है, बहुत सुंदर इस पर फूल आते हैं। तो इसको भी मैं दूसरे जो गमले में ट्रांसफ़र करूँगी, और गमले मेरे पास लगभग ख़त्म हो गए हैं, तो मैं मटकियाँ वगैरह का यूज़ कर लेती हूँ, ये उसमें भी चल जाएंगे। क्योंकि जो ये इंडोर प्लांट है, जो मार्जेंटा दिखाया मैंने आपको, और ये ड्रेसिना की वैरायटी होती है, तो ये छोटे से गमले में चल जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये टिकोमा की बेल है, तो इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी। इसको जो बड़ी वाली बेल है इसको लगभग 2 महीने हो गए हैं, और जो छोटे वाली है इसको 15 से 20 दिन हुए हैं, तो ये भी अच्छे से चल रही है। और इसमें तुलसा जी लगाई है मैंने, एक और पैकेट है मेरे पास ये दही का इसमें। और ये इसमें जो ग्लास देख रहे हैं, डिस्पोजल ग्लास हैं, इसको पानी पी के फेंक देते हैं, तो मैंने देखिए संभाल के रखा हुआ है। और इनमें भी मैंने कटिंग लगा दी, छुई मुई का पेड़ देख रहे हैं इसमें बन गया है, छोटी सी कटिंग थी। और ये नमक के पैकेट मैं इस तरीके से संभाल के रख लेती हूँ, अपने गार्डन में ही डाल देती हूँ इन पन्नियों को, जो बाहर नहीं डालती हूँ, जो भी पोलोथीन होती हैं तो गार्डन में ही डाल देती हूँ। इस तरीके से देखिए, कुछ कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी अभी 3-4 दिन पहले, तो ये मैंने एक फूटा हुआ तसला था उसमें इकट्ठी करके रख दिए झुंड में, क्योंकि
इनको मैं इधर से उधर रख सकती हूँ। अगर ज़्यादा बारिश आती है तो मैं इनको थोड़ा सा शेड दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बारिश आएगी और पानी ज़्यादा जाएगा तो कटिंग आपकी गल सकती है। तो थोड़ा इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो छोटे से छोटे प्लांट में भी तो जो भी प्लांट आपके बनके तैयार हो गए हैं कटिंग से, उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर घर में गमले ख़त्म हो गए हैं और मार्केट से नहीं लाने चाह रहे हैं आप, तो आपके घर में अगर मटकियां हैं और कुछ डब्बे बचे हुए हैं तो उनमें आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चंपा का प्लांट है, तो चंपा का प्लांट को थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए। तो देखिए एक इस तरीके से ये बेसन का पैकेट है और इसमें ही मैंने कटिंग लगाई थी। कितना बड़ा प्लांट तैयार हो गया है। और अब इसको गमला चाहिए होगा, तो इसको 10 से 12 या 14 इंच का गमला चाहिए। या आपके घर में कोई बाल्टी ख़राब हो गई तो इसमें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरीके की कटिंग को आप। और ये छोटे छोटे से मेरे पास डब्बे पड़े हुए हैं जिसमें खाना वगैरह आता है, तो इनको भी मैंने पेंट कर दिया। इसमें भी मैं जो मेरे छोटे छोटे प्लांट हैं उनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये है टर्टल वाइन, तो देखिए कितने सुंदर चल रही हैं ये। और इसकी जो नीचे कुछ भी ब्रांच गिर जाती है छोटी से छोटी भी, वो भी ग्रो हो जाती है। तो इसको आप कैसे भी डब्बे में लगा सकते हैं। एक ये मेरा तेल का डब्बा है, इसमें मैंने पर्सलेन पोर्चुलिका इस तरीके के प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये पोर्चुलिका है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मैंने फ़िश बनाई थी वॉल पुट्टी और डब्बे से। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये छोटे छोटे पॉट रखे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें मैंने मनी प्लांट ग्रो की हुई है, एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के जो मेरे पास स्नैक प्लांट नहीं थे, ड्वार्फ वैरायटी के हैं ये, मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी। ये तो मेरे घर में ही है, मैंने ग्रो किया था कटिंग से ही, छोटे छोटे ग्लासेस में लगाए हुए हैं। और ये हिलते नाचते देखे किस तरीके से गर्दन हिला रहे हैं अपनी मस्ती में मस्त। तो इसमें भी मैंने कटिंग लगा दी है। और जब ये कटिंग बड़ा प्लांट बन जाएगा तो मैं इसमें से ट्रांसफ़र करके दूसरे पॉट में लगा दूंगी। दोस्तों अगर आप भी कम खर्च में गार्डनिंग करना चाहते हैं और प्लांट्स का शौक़ रखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह खर्च किया जाए, पैसे लगाए जाएँ। जो ज़रूरी होता है, देखिए वहाँ पर तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है गार्डनिंग करने के लिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन जितना हो सके उसे कम बजट में आप करने की कोशिश करें। और ये इस तरीके से देखिए नारियल के खोल वगैरह मैंने सभी में कटिंग्स वगैरह लगा दी थी और प्लांट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने गार्डन का शौक पूरा कर सकते हैं, कम बजट में आप सुंदर सुंदर से प्लांट ला सकते हैं, लगा सकते हैं उनको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।